इसमें हमने चैप्टर में इक्वालिटी, यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइज एंड इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वालिटी ये सब कंप्लीट कर लिया था। आज चलेगा इसमें इनइक्वालिटीज इन डेली लाइफ, हमारे साथ जो असमानताएं होती है डेली लाइफ में वो क्या क्या है इसके बारे में आज बात चलेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द राइट टू इक्वालिटी, हमारे संविधान ने हमें समानता का अधिकार दे रखा है। सभी लोग यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में इसकी साइड में क्या है, सभी लोग एक जैसे समान हैं। Yet this does not mean that inequality does not exist in our country. फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए जो हमारा जो देश है उसमें इनइक्वालिटी नहीं है। इनइक्वालिटी आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। इन आर डेली लाइफ हमारे दैनिक जीवन में वी स्टिल फाइंड मेनी एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी, हमें बहुत से उदाहरण देखने को मिल जाते हैं इनइक्वालिटी के भी असमानता की। सभी लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। जो पावर है जिसके पास पैसा है वो यहाँ पे ऊपर है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके साथ अत्याचार वो काफ़ी डोमिनेट करता है। There are significant number of people living below poverty line in India whose daily living and working conditions are far from equal. बहुत से ऐसे लोग हैं यानी काफ़ी परसेंटेज इंडिया की पॉपुलेशन की बहुत सी ऐसी है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे अपनी गुजर बसर कर रहे हैं और आपको ये कंडीशन देखेंगे आपको बहुत खराब है और वो इक्वालिटी के इक्वालिटी की जो धारा है विचार धारा है उससे काफ़ी दूर है यानी कि उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं होता है। दे हार्डली मैनेज टू स्क्वायर मील्स इन अ डे, वो मुश्किल से दो वक्त की रोटी कमा पाते हैं। यानी कि समानता का अधिकार मतलब क्या है, सभी लोग इकोनॉमिक कंडीशन की सभी की समान होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें दो वक्त का खाना कमाना मुश्किल हो जाता है। दे हैव टू लिव इन स्लम एरियाज, में झोपड़पट्टी में रहना पड़ता है तो जो इलाके बहुत ज़्यादा गंदगी में बने रहते हैं इसलिए रहना पड़ता है। दे कैन नॉट गेट गुड मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, उन्हें अच्छी मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। So the government provides such facilities at cheap rates, yet these are neither easily available nor equally good everywhere. इसलिए जो गवर्नमेंट्स क्या है सस्ते रेट पे उन्हें सुविधाएं मुहैया कराती है लेकिन इसमें भी काफ़ी घमले चल रहे हैं और वो बराबर का अधिकार नहीं मिल पाता है, ये भी उन्हें मुश्किल से मिल पाता है, इसमें भी काफ़ी करप्शन चल रहा है। Often they are not as good as the private facilities which are not affordable for the poor. ये जो प्राइवेट फैसिलिटीज हैं उनकी जैसी नहीं होती है और प्राइवेट फैसिलिटी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब लोग हैं उन्हें दो वक्त खाना कमाना तो बहुत मुश्किल है, जो प्राइवेट फैसिलिटी है उनको कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे, वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे इसको। द कास्ट सिस्टम इज अनदर फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, जो कास्ट सिस्टम है ये भी एक फॉर्म है इनइक्वालिटी इन इंडिया में। इट इज अ प्रीडोमिनेंट सोशल इवेंट व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ, ये भी एक सामाजिक बुराई है जो भेदभाव करती है बड़े लोगों के साथ, यानी कि जो एक लार्ज नंबर है उसके साथ भेदभाव की भावना कराती है। कास्ट सिस्टम, इन ए सोशल सिस्टम इन विच कम्युनिटीज और ग्रुप्स ऑफ पीपल आर प्लेस्ड इन ए सॉर्ट ऑफ लैडर वेयर ईच कास्ट इज ईदर अबव और बिलो द अदर, यहाँ पे ऐसे ही समाज को बांट दिया गया है, उसको ऊपर कर दिया गया है, उसको नीचे कर दिया गया है। तो इस सेक्शन ऑफ पीपल हु प्लेस देमसेल्फ अंडर प्रॉफिट विल लेटर कॉल देमसेल्फ एज द अपर कास्ट, जो सेक्शन के लोग जिन्होंने अपने आप को ऊंचे स्तर पर रखा हुआ है उनको अपर कास्ट बोला जाता है। दिस विल रिगार्ड देमसेल्फ एज सुपीरियर, ये अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं। ऑन द अदर हैंड द ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर प्लेस एट द लोअर लेवल ऑफ द लैडर आर कॉल्ड लो कास्ट, और जो लोग अपने निचले स्तर पर हैं यानी कि लोअर लेवल पर हैं उनको लो कास्ट बोला जाता है, अपने आप को सुपीरियर सुपीरियर नहीं मान सकते, आप लोग अपने आप को क्या इंफीरियर मानेंगे। दीज पीपल आर सीन एज अनवर्थी बाय द अपर कास्ट, इन जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके द्वारा इनको बिल्कुल निठल्ला बेकार समझा जाता है, बिल्कुल बुद्धिहीन है कुछ नहीं है बेकार है लोग, मतलब थोड़ा थोड़ा समझते हैं लोग। सम ग्रुप्स हु आर एट द बॉटम लेवल ऑफ द कास्ट लैडर आर कॉल्ड अंडर चेंज ऑफ दलित और शेड्यूल कास्ट, और कुछ हैं बिल्कुल जो लो लेवल पे हैं बिल्कुल बॉटम लेवल में हैं तो एस सी एस टी में रखा जाता है, अनटचेबल को बोलते हैं इनको, यानी कि इनको हम छू नहीं सकते, अपर कास्ट वाले को उनके हाथ का पानी नहीं पी सकते, उनको छू नहीं सकते। दस दलित इज ए टर्म यूज बाय द सो कॉल्ड लोअर कास्ट टू एड्रेस देम, इसलिए इनको दलित बोला जाता है, लोअर कास्ट वाले के मतलब दलित, दलित मीन्स ऑप्रेस, जिनका दमन किया जाता है क्या बोलते हैं दलित, हाई कास्ट वाला इनका दमन किया जाता है, इनको डरा के धमका के जो राइट्स हैं वो छीन के रखा जाता है, उसको बोला जाता है। सॉरी,
class bolte hain. There has been facing discrimination in many fields of every data area. तो चलिए मैं वो प्रत्येक जीवन में चल रहा है, इसको महसूस करते हैं, फील करते हैं, अपने बाप के साथ भेदभाव देखते हैं. They were excluded by the upper caste people. इनके द्वारा अपर कास्ट द्वारा इनको एक तरह से बोलते हैं एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि उनके उनके साथ मिलेंगे बैठेंगे नहीं, उनके साथ खाना पीना नहीं खाएंगे, उनके हाथ पर कुछ छुएंगे नहीं. एक्सक्लूडेड यानी कि इनको डिस्कास्ट कर देते हैं अपने समाज से. The upper caste did not give the so-called untouchables or the list of same right that they enjoyed themselves. उनको जब अपर कास्ट वाले सब अधिकार देते नहीं, इससे वो अपनी जीवन को जीवन यापन को अच्छे से कर सके और का सब देते नहीं है. They were not allowed to enter the house of the upper caste or even enter temples. ये बड़े घर वालों के घर में जा नहीं सकते, यहाँ तक कि मंदिरों में इनका जाना प्रवेश वर्जित रहता है, वर्जित रहता है. इवन टुडे आज भी ये सिस्टम रिजर्व से खुले रहते हैं. ये सिस्टम आपको ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा, स्पेशली इन केस ऑफ मैट्रिमोनी. The issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban people. जब शादी के वक्त ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखी जाती हैं, चाहे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है वो भी अपने कास्ट वाले में ही शादी वगैरह करते हैं. इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा पीपल आर बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस ऑफ रिलीजन एंड द कल्चर दे फॉलो. लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है धर्म के आधार पर और जो कल्चर को फॉलो करते हैं इसके आधार पर भी उनके साथ अलग से भेदभाव किया जाता है. द लैंग्वेज जो भाषा बोलते हैं उसके आधार पर भी दर्शन देश की जो भाषा जिस तरह से बोलते हैं उसके आधार पर भी दे आर रीजन उनके क्षेत्र के आधार पर दखल और इसके उनकी त्वचा के रंग के आधार पर काला है बुरा इसके आधार पर भी भेदभाव किया जाता है. वेन पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली जब लोग अनइक्वली यानी कि असमान रूप से ट्रीट किए जाते हैं दे आर डिग्रेडेड इज बाय रेड उनकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो कैसे जाती है बाय रेड यानी कि उनका हिंसक हो जाना बाय रेड हो जाती है कि अपमानना अपमानना की जाती है. डिग्निटी रेफर्स टू सेंस ऑफ प्राइड एंड प्राइड इन ओनसेल्फ. डिग्निटी क्या होती है इज्जत मान सम्मान क्या होता है अपने आप में गर्व फील करना ये होता है इज्जत मान सम्मान. वो क्या रहता है इसको उसकी अवमानना होती है यानी कि उसकी अवहेलना होती है. तो भेदभाव हुआ तो ये सब चीज़ें कॉमन सी चीज़ें हैं उनको होती ही होती हैं. ठीक है आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा.